यूं तो करोड़ों राम भक्तों को अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार है, लेकिन क्या हो कि अगर उन्हें उद्घाटन से पहले ही अपने आराध्य देव के दर्शन हो जाए, यानी कि राम लला की जो मूर्ति अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान होने वाली है उसकी एक झलक का दीदार हो जाए। दरअसल भगवान राम की तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति फाइनल हो गई है। खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर दी। उन्होंने रामलला की मूर्ति के साथ मूर्तिकार की फोटो भी साझा की और लिखा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति के चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है। हमारे देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगी राज अरुण की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। बता दें कि ग्रेनाइट पत्थरों से रामलला की मूर्ति बनाई गई है, जिसे कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कड़ी मेहनत से तराशा है। रामलला की मूर्ति निर्माण के लिए नेपाल की गंडकी नदी समेत कर्नाटक, राजस्थान और ओडिशा के उच्च गुणवत्ता वाले 12 पत्थर ट्रस्ट ने मंगवाए थे। इन सभी पत्थरों को परखा गया तो राजस्थान और कर्नाटक की शिला ही मूर्ति निर्माण के लायक मिली, क्योंकि यहाँ पर नक्काशी काफी अच्छी होती है और पत्थर काफी वक्त तक चलते हैं। चलिए अब समझते हैं कि रामलला की मूर्ति बनाने के लिए कौन कौन से मानक तय किए गए थे। मूर्ति निर्माण के लिए तय हुए थे ये मानक: मूर्ति की कुल ऊंचाई 52 इंच हो, श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य हों, कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति हो, हाथ में तीर या धनुष, मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता झलकी। राम भक्तों के लिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की मूर्ति की एक झलक देख पाना उतना ही दिव्य और अलौकिक है जितना कि 22 जनवरी के दिन रामलला की मूर्तियों का उनके घर में विराजमान होना। फिलहाल जब से भगवान राम की इस मूर्ति की तस्वीर सामने आई है, तमाम राम भक्त इसे अलग अलग कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।